अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई और हमारा जो इस सेमेस्टर का कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि एआई अप्रोचेस, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक चार अप्रोचेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कौन कौन सी हैं? थिंक ह्यूमनली, थिंक रेशनली, एक्टिंग ह्यूमनली और एक्टिंग रेशनली। अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाई वन के इनमें क्या चीज़ है। ओके, थिंक ह्यूमनली, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या करना है, कि कौन सी अप्रोच है जिसमें जो मशीन्स है वो ह्यूमंस की तरह ही थिंक करेगी, ठीक है। थिंक लाइक ह्यूमंस, और कैसे वो ह्यूमन की तरह थिंक करेगी उसके लिए उसके पास कोई ना कोई नॉलेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखें ह्यूमन की तरह, वो क्या है कि जिस तरह से कोई ऑब्जेक्ट देखा ह्यूमन ने, ठीक है, तो उसको परसीव कर रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये कार है। तो मशीन भी, ठीक है, मशीन भी जब किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे, ठीक है, तो वो उसको उसी तरह ही डील करे, थिंक करे जिस तरह से ह्यूमन करता है। तो हमारे पास इसके जो हैं थ्री वेज हैं। सबसे पहले क्या है कि किस तरह से हो सकता है? थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? थ्रू साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, और तीसरा क्या है? ब्रेन इमेजिंग, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू कैसे होगा कि आप क्या करते हैं कि ट्राइंग टू कैच आवर ऑन थॉट्स, ठीक है। इंसान ये देखे कि जिस तरह मैं खुद किस तरह से किसी चीज़ को किस तरह से सोचता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आप डायग्राम में अगर देखते हैं, ठीक है, थॉट वन आई विल गो, ठीक है, कि इंसान जिस तरह सोच रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? आई एम एट रेस्ट और इट्स लंच टाइम। तो मशीन जो है वो भी सिचुएशन को देखकर उसी तरह से ही थिंकिंग करे जिस तरह से इंसान करता है। अब देखें यहाँ पर अगर आप दूसरी अप्रोच क्या है हमारे पास? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्या है कि देखें यहाँ पर आपके पास तीन सिनेरियोज हैं कि एक टीचर है टीचिंग कर रहा है, ठीक है, दूसरा क्या है? राइडिंग कर रहा है, और तीसरा हमारे पास क्या है? वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अब टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसकी साइकोलॉजिकल जो थॉट्स होंगी, जो इफेक्ट्स डिस्प्ले हो रहे होंगे वो चेंज होंगे, ठीक है। इसी तरह जब राइडिंग कर रहा है कोई तो उसकी जो साइकी होगी वो और होगी, ठीक है। अब एक ही बंदा है, जब वो टीचिंग करेगा उसके इमोशंस और होंगे, ठीक है, जब राइडिंग करेगा और होंगे, जब कोई और वर्कर होगा तो और होंगे। तो हमने ये देखना है कि ये चीज़ें मशीन में कैसे आएंगी, ठीक है, तो ये मशीन में हमने ट्रांसफ़र करनी है। तीसरा हमारे पास क्या है कि ब्रेन इमेजिंग, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं, ठीक है, कि हमने ये देखना है कि जो ब्रेन है इन द स्टेट ऑफ एक्शन वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो इन तीन चीज़ों को मिलाकर जो हमारे पास आता है वो क्या आता है? कॉग्निटिव साइंस। ये चीज़ें क्या है? कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस हमारे पास क्या है कि स्टडी ऑफ ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आई कैन थिंक नाउ लाइक अ ह्यूमन, जब ये तीनों चीज़ें मशीन में आ जाएगी, ठीक है, जो तीनों चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जब ये चीज़ें मशीन पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो वो क्या होगा? ह्यूमन की तरह ही थिंक कर सकेगा। तो हमारा टॉपिक था थिंक लाइक ह्यूमन। तो कॉग्निटिव साइंस की यहाँ पर डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ थॉट, लर्निंग एंड मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब क्या है? थिंक रेशनली। रेशनली क्या है? राइट, राइट थिंकिंग, द लॉ ऑफ थॉट अप्रोच। तो इसमें क्या आता है? राइट थिंकिंग, क्या आप जो कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, वो राइट होना चाहिए। आप देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक एग्जाम्पल दिया, अली इज़ मैन, कि अली आदमी है। फिर क्या है? ऑल मैन आर मॉर्टल। अगर अली मैन है और ऑल मैन आर मॉर्टल तो फिर अली भी क्या होगा? मॉर्टल। ये हमारे पास एक जो है ला है थिंकिंग का, कि जो सोचना है राइट थिंकिंग। अब यहाँ पर देखें कि थिंकिंग रेशनली की यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है कि 2+2 हमेशा 4 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ला है 2+2 4 होता है, 3 नहीं होता। तो मशीन भी हमेशा जो थिंकिंग करें वो इसी तरह से होनी चाहिए, इन रूल्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास अप्रोच है वो है एक्टिंग ह्यूमनली, ठीक है, कि जो मशीन्स हैं वो किस तरह से एक्ट करें? जस्ट लाइक ह्यूमन, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए उनके पास क्या होने चाहिए? मशीन्स के अंदर कैपेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए? कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑटोमेटेड रीजनिंग, मशीन लर्निंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? टू इनेबल कम्युनिकेशन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, टू स्टोर व्हाट इट सीज एंड हियर्स, के आपने अब मशीन ने जो कुछ सुना उसको वो समझे,
किसी भी लैंग्वेज में। अब देखिए, आपको पता है कि जो हमारे मशीन्स जो हैं हमारे पास एक्चुअली वो कंप्यूटर्स ही हैं, ठीक है, और उनकी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी पे वो चलते हैं, जीरो वन पर, जबकि जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज जीरो वन तो नहीं है, हम उर्दू में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो मशीन उसको परसीव करे, ठीक है, और उस डाटा को अपने पास स्टोर करे और फिर फर्दर यूज़ करे, ठीक है। ऑटोमेटेड रीजनिंग में क्या है कि जो कुछ उसने परसीव किया, जो नॉलेज उसके पास मौजूद है, ठीक है, उसको वो यूज़ करते हुए कोई भी जो है क्यूरी आई है तो उसको वो आंसर करे, ठीक है। जो रीजनिंग यही है ना कि आपके पास जो आपको एक क्वेश्चन किया गया, ठीक है, तो आपने अपने नॉलेज की बेस पर देखा कि किस रीजंस की बेस पर मैं इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर दे सकता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है कि हमने अपनी मशीन को, रोबोट्स को, ठीक है, या आर्टिफिशियल मशीन्स को ऐसा बनाना है जो न्यू इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सके, ठीक है। मशीन लर्निंग यही है कि उसने एक सिनेरियो एक दफ़ा देखा है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए उसको अपने पास सेव कर ले। सपोज आप कहीं जा रहे हैं तो आपने देखा रास्ता, जो जिस रास्ते से आप जा रहे हैं आगे जाकर गली बंद हो जाती है, ठीक है, आप वापस आएंगे तो दूसरी गली से जाएंगे, अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, तो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगा कि आपको अब आपके नॉलेज में ये स्टोर हो चुका कि ये वाली गली बंद है। तो मशीन्स भी इसी तरह एक्ट करती हैं कि जो एक उन्होंने स्नैरियो देखा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना था, उन्होंने एक सोल्यूशन उसका देखा कि इस वे से हम चलते हैं, तो सोल्यूशन नहीं मिला तो उसको वो अपने पास स्टोर कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए। अब एक्टिंग ह्यूमनली के लिए जो हमारे पास एक अप्रोच है वो है ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो एलन ट्यूरिंग जो है उसने ये अप्रोच डिफाइन की थी 1950 में। अब जो है ट्यूरिंग टेस्ट क्या चीज़ है, उसने कहा कि जी एक टेस्ट किया जाए कि मशीन्स कितनी एफिशिएंट हैं, कितनी इंटेलिजेंट हैं उसके लिए। तो यहाँ पर देखें, अगर डायग्राम देखें तो आपको एक तरफ एक पर्सन नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ क्या है, एक पर्सन भी है और एक मशीन भी है, वो कंप्यूटर भी हो सकता है। तो टेस्ट में ये किया गया कि देखा जाए कि एक पर्सन है वो क्यूरी करता है, ठीक है, और उसको जो उसका आंसर है वो मशीन दे रही है, ठीक है, और कुछ देर तक उसको ये पता नहीं चलता कि जो मुझे आंसर मिला है वो मशीन ने दिया है या ह्यूमन ने दिया है, ठीक है। अगर उसको कुछ देर तक नहीं पता चलता तो उसका मतलब क्या है कि आपकी जो मशीन है, आपका जो सिस्टम है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये ट्यूरिंग टेस्ट था, ठीक है। तो ह्यूमंस की तरह एक्ट करने के लिए मशीन के पास क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, वही के नॉलेज को वो परसीव करे और स्टोर करे, ठीक है, और उसके बाद ऑटोमेटेड रीजनिंग के उस नॉलेज की बेस पर जो क्यूरीज आई हैं उनको डील किया जाए, ठीक है। मशीन लर्निंग के वही के अपने जो न्यू उस एरियाज हैं, न्यू उसमें जो रीजनिंग्स हैं उनको वो अडॉप्ट करे, ठीक है, न्यू सर्कमस्टेंसेस को अडॉप्ट करे। फिर क्या है कि कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन क्या है कि वो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करे, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। ये देखें आप इस डायग्राम में देखें, कंप्यूटर विजन में क्या है कि मशीन डिटेक्ट कर रही है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, परसीव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में क्या है, टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड मूव अबाउट, ठीक है, कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, मशीन्स होंगी जो क्या करती हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट भी करेंगी और मूव भी करेंगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की। आगे हमारे पास क्या है, एक्टिंग रेशनली, ठीक है। एक्टिंग रेशनली में क्या है कि आपने इस तरह एक्ट करना है कि बेस्ट आउटकम अचीव हो, ठीक है। रेशनली का क्या था कि राइट, जिस तरह हमने कहा कि थिंकिंग रेट रेशनली कि आपकी राइट थिंकिंग होनी चाहिए, इसी तरह एक्टिंग राइटली, इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं कि आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जो आपके एक्शंस हैं वो क्या होने चाहिए, राइट होने चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि एक्टिंग रेशनली इज आल्सो नोन एज रेशनल एजेंट अप्रोच, ठीक है। अब एजेंट क्या है, समथिंग दैट एक्ट्स, कि हमारे पास कोई भी जो मशीन है जो एक्शंस परफॉर्म कर रही है वो क्या है, हमारे पास एजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑल कंप्यूटर्स डू समथिंग, अब ये थिंकिंग एक्टिंग रेशनली में क्या होना चाहिए कि ऑपरेट ऑटोनोमसली, कि जो भी हमारी मशीन्स होंगी, ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है एक्टिंग की, एक्शंस,
कि जो ऑपरेशंस वो करें वो खुद ब खुद उसको कर सकें और परसीव द इन्वायरमेंट, ठीक है, अब और जो इन्वायरमेंट है उसको वो खुद ही परसीव करें कि क्या चेंजेस आई हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करें, लॉजिक्स क्रिएट करें, चेंजेस जो आ रही हैं उनको अडॉप्ट करें और फिर क्या करें, उन गोल्स को अचीव करें जो भी गोल्स सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि अगर एक मशीन को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि मूव लेफ्ट या मूव राइट, तो उसको परसीव करना चाहिए कि उस अपनी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, कि उसको किस तरफ मूव करने को कहा गया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।